हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, जो बेसिकली इस एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज है। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सपिंड रिलेशनशिप के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 3C एंड सेक्शन 3D ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 3C बेसिकली डिफाइन्स फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। सेक्शन 3D डिफाइन्स यूटेरिन ब्लड। जब आप इन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग को देखोगे तो फुल ब्लड मीन्स सगा, हाफ ब्लड मीन्स सौतेला एंड यूटेरिन ब्लड मीन्स सहोदर। नाउ व्हाट इज सहोदर? उदर, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है पेट, राइट? सहोदर मतलब कि टू चाइल्ड बोर्न फ्रॉम द वॉम ऑफ सेम मदर। टू चाइल्ड बोर्न फ्रॉम वॉम ऑफ सिंगल मदर, तो वो एक दूसरे से यूटेरिन ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन तीन टर्म्स को समझेंगे, विच आर फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड, राइट? तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फुल ब्लड के बारे में, यानी सगा नातेदारी। क्या कहता है? टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड। दो पर्सन्स एक दूसरे से फुल ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। जब दो पर्सन्स का कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, राइट, बाय सेम वाइफ, राइट? तो इनकी कोई वाइफ, यानी सपोज दिस आर ए एंड बी, इनके चिल्ड्रन हैं एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर ए विद सेम वाइफ बी। तो ये दोनों के बीच जो रिश्ता है वो है फुल ब्लड का, वो है सगा रिश्ता। यानी मैं, मेरा भाई और मेरे एंसेस्टर्स, यानी मेरे फादर, मेरे मदर, तो हम क्या हैं? एक दूसरे से फुल ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। तो यहां कह रहा है टू पर्सन आर डिसेंडेंट्स ऑफ कॉमन एंसेस्टर, यानी हैविंग सिंगल फादर एंड सिंगल मदर, एंड दीज आर डिसेंडेंट ऑफ दीज फादर एंड मदर। तो ये दोनों क्या है? फुल ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं, राइट? अब एक टर्म है हाफ ब्लड। हाफ ब्लड यानी सौतेला। तो बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। समझो, ये है एक्स और ये है वाई, इनका क्या है? कोई कॉमन एंसेस्टर है, यानी ही इज द फादर, और इस फादर ने दो शादियां की थी, वाइफ वन, वाइफ टू, एंड एक्स इज द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वॉम्ब ऑफ वाइफ वन ऑफ जेड पर्सन, एंड वाई इज द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वाइफ टू ऑफ जेड पर्सन। तो यानी इनका यहां पे जो फादर है वो कॉमन है, लेकिन
दोनों की जो मदर है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या है, सौतेले नातेदारी में आते हैं। तो हाफ ब्लड क्या कहता है, हैविंग कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ, तो ये क्या हो गया, हाफ ब्लड हो गया। तीसरा है यूटेरिन ब्लड। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यूटेरिन ब्लड में कि हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स, हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स, मदर सेम, लेकिन जो दो पर्सन्स हैं, दो चाइल्ड हैं, इनके डिफरेंट फादर हैं, फादर वन एंड फादर टू। वाई के फादर एफ टू है लेकिन इसकी जो मदर है वो एम है, और एक्स का फादर एफ वन है लेकिन इसकी भी जो मदर है वो एम है। तो यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर्स यानी कॉमन मदर बट डिफरेंट फादर्स, टू पर्सन्स आर डिसेंडेंट फ्रॉम डिफरेंट फादर्स बट बाय सेम मदर, तो दोनों क्या है, यूटेरिन ब्लड से सहोदर भाई हैं। तो ये था फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेरिन ब्लड का कॉन्सेप्ट। फुल ब्लड में मदर एंड फादर सेम, हाफ ब्लड में मदर डिफरेंट और यूटेरिन ब्लड में मदर सेम फादर डिफरेंट, राइट। तो ये था फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेरिन ब्लड का कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने डिटेल वे में आपको समझाने की कोशिश करी। अब अपने नेक्स्ट और अपने लास्ट क्लास में हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में, ऐसे ही डिटेल। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है और मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।